लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 64.40% मतदान हुआ। चुनाव आयोग ने देर रात तीसरे चरण के मतदान से संबंधित आंकड़े जारी किए, जिसके तहत बताया ये गया कि 64.40% तीसरे चरण में मतदान हुआ। रात 11:40 पर आंकड़े जारी किए गए। 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदान की तीसरे चरण के तहत प्रक्रिया संपन्न हुई। 93 निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। आपको बता दें, असम और पश्चिम बंगाल में जहां जमकर वोटिंग देखने को मिली, वहीं बिहार और यूपी में मतदान का प्रतिशत बढ़ नहीं रहा है। संतोषजनक आंकड़े सामने नहीं आ रहे हैं और एक बार फिर तीसरे चरण के मतदान में भी वही ट्रेंड देखने को मिला। तो चुनाव आयोग की तरफ से तीसरे चरण के मतदान के आंकड़े जारी किए गए, जिसके तहत 64.40% मतदान रात 11:40 पर जारी आंकड़ों के तहत बताया गया कि कुल वोटिंग 64.40% रही। असम में 81.61% वोटिंग रही। वहीं अगर बिहार की बात की जाए तो 58.18, 60 का आंकड़ा भी नहीं छू पाया। छत्तीसगढ़ में 71.06, वहीं दादरा नगर हवेली और दमन दीव में 69.87, गोवा में 75.20%, वहीं गुजरात में 58.98। यहां भी देखिए, आंकड़ा संतोषजनक नहीं रहा। कर्नाटक में 70.41%, मध्य प्रदेश में 66.05%, महाराष्ट्र में 61.44%, उत्तर प्रदेश में देखिए एक बार फिर फिसड्डी राज्य साबित हुआ, 57.34% ही वोटिंग हुई, जबकि पश्चिम बंगाल में भी 75.79% के साथ बंपर वोटिंग दर्ज की गई। पहले चरण में 66.14, दूसरे चरण में 66.71 और तीसरे चरण में ये आंकड़ा और घट गया, 64.40% वोटिंग। तो लगातार अगर तीन चरणों के मतदान प्रतिशत की बात की जाए तो आंकड़े संतोषजनक नहीं हैं, और खास करके हिंदी भाषी क्षेत्रों में इन चुनावों को लेकर के जनता में उदासीनता देखने को मिल रही है, बंपर वोटिंग का अभाव दिख रहा है। वहीं अगर उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की बात की जाए तो यहाँ जहाँ बंपर वोटिंग देखने को मिल रही है, पश्चिम बंगाल में भी जनता बेहद उत्साह के साथ वोटिंग करती नजर आती है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के आंकड़े भी संतोषजनक हैं, लेकिन अगर बात की जाए महाराष्ट्र की, गुजरात की, यूपी और बिहार की, तो यहाँ की जनता चुनावों को लेकर के उदासीन रुख अपनाए हुए है, जो जाहिर है इलेक्शन कमीशन को सोचने पर विवश कर रहा है।